पानी से गहरा नाता है, पर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती आबादी के चलते कई पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त तो होने की कगार पर है। ऐसे में इसके संरक्षण के प्रयास विभिन्न सामाजिक और गैर सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं। ऐसी ही संस्था है नर्मदा हेल्थ ग्रुप, जो विभिन्न स्तर पर पक्षियों को बचाने की मुहिम में जुटी हुई है। संस्था न केवल इन मूक पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था कर उनके भरण पोषण में लगी है, बल्कि लोगों को जागरूक कर पक्षियों के सकोरे उपहार दे रही है, जिससे विलुप्त तो होते पर्यावरण और प्रकृति के अभिन्न अंग पक्षियों को बचाया जा सके। नर्मदा जी जो है इट्स अ लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश ना, और जैसा नाम वैसा काम है। वो यहाँ के जितने प्रदेशवासी हैं सबको जीवन देती हैं। सेम नर्मदा हॉस्पिटल अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा क्रिटिकल केयर, वो उसने एनवायरनमेंट के लिए पर्यावरण के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। ट्री प्लांटेशन, क्लीनलीनेस, यहाँ पे भी क्लीन ग्रीन E3 जो है वो स्टार्ट किया, होशंगाबाद में किया, उसी का ही आगे उसको करते हुए एक इस बार चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए एक ये नया मुहिम स्टार्ट किया है। आजकल पर्यावरण को लेकर अलग अलग मुहिम अलग अलग लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। इसी तारतम्य में नर्मदा ट्रॉमा सेंटर के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा जी और डॉक्टर रेणु शर्मा जी की प्रेरणा से हम लोगों ने एक अभिनव अभियान शुरू किया है, जिसमें पक्षी जो हमारे पर्यावरण के एक मुख्य हिस्सा होते हैं उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। डॉक्टर रेणु शर्मा जी जो हमारी डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनके दाने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उसी को ध्यान में रख करके ये एक अभियान हमने शुरू किया है। ग्वालियर